नमस्कार फोकस प्लस को स्वागत करुछी मुतापसी फेरुची कोरोना रो द्वितीय लहड़ी राज्य रे दैनिक 500 उपरे संक्रमण हार रहुथबा बेले अदृश्य भूताणु रो अजणा भय मध्य बढ़िबार लागिछि। संक्रमण को दृष्टि रे रखी 10टी जिला समेत बीएमसी और सीएमसी पक्षरु रात्रकालीन कर्फ्यू जारी करा जायछि। संक्रमण वृद्धि हेले दिन रे मध्य कटकणा लागिबारे बोली पूर्वरु राज्य सरकार को पक्षरु सूचना दिय जायछि। अनेपटे जो कार्यालय किंबा शिक्षानुष्ठान संक्रमित देखा देउछंती ताहाकु सील मध्य करा जाउछि। बसस्टाण्ड ठारु रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट ठारु शॉपिंग मॉल सबुठी कटकणाकु जोर करा जायछि। प्रथमे नजर पकेबा आजर कोरोना अपडेट संपर्करे। ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी टीकाकरण समय को परिवर्तन करछंती राज्य सरकार। प्रबल खरा को आखि आगर रखी स्वास्थ्य विभाग एभली किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति लेछि। स्वास्थ्य विभाग जारी करथबा विज्ञप्ति मुताबक राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी प्रतिदिन सकाळ 8टा रो दिन 12टा एवं अपराह 3टा रो संध्या 6टा जाय टीकाकरण कार्य जारी करा जिबाकु निर्देश होईछि। या सहित संध्या 6टा 30 सुद्धा सब जिलार टीकाकरण रिपोर्ट दाखल करबाकु मध्य निष्पत्ति होईछि। तबे एने स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र सूचना देइछन्ति। सेपरे जो मैंने टीकाकरण केन्द्र में टीका नेबापी जो मैंने अपेक्षा करते हैं अपेक्षा गृह वैक्सीनेशन कक्ष सांग को पीवा पानी व्यवस्था करने को कहुई मास्क व्यवहार करने हाथ धोवा व्यवस्था सहित सामाजिक दूरता को मध्य अधिक गुरुत्व देवाक चिठी में उल्लेख कर तेज गत किद मध्य राज्य में आक्रांत संख्या क्रमगत भाव में वृद्धि पाता बेले यह राज्य सरकार मुंडव्यथार कारण पलटि जहाँक नहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दृष्टि रखी एभली किसी निष्पत्ति राज्य सरकार। तेज यदि नजर पकेबा राज्य में गत 24 घंटा मध्य 588 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले बलांगीर सुवर्णपुर जिलूार 11 लेखाएं कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। बरगड़ 21 जाजपुर 12 बालेश्वर 13 सुंदरगढ़ 84 कलाहांडी 64 झारसुगुड़ा 31 कटक 30 नुआपड़ा 29 संबलपुर 28 गंजामु 27 पूरी 24 टेस्टपुलु 23 आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धा जिलूार सर्वाधिक 105 पॉजिटिव चिन्हट होता जमापड़ी। से भाई राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 343,856 आक्रांत चिन्हट होता बेले वर्तमान सुस्थ होती 338,150। से हीपरी मोट आक्रांतों संख्या 3,731 पहुंची। तेणुक अधिक रु अधिक टीकाकरण संख्या बढ़ेगा स्वास्थ्य विभाग एभली बड़ निष्पत्ति। तेज आज कोविड टीकाकरण व्यवस्था को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग एभली किसी बड़ निष्पत्ति पुणी थे से खबर जहाँ बर्तमान सूचना मिली। तेज प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी टीकाकरण समय रही बड़ परिवर्तन। तबे आसंत जानिबा क्यों समय मिलिबो कोविड टीका। ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी टीकाकरण समय को परिवर्तन करछंती राज्य सरकार। प्रबल खरा को आखि आगर रखी सरकार एभली निष्पत्ति नेछि। स्वास्थ्य विभाग जारी करथिबा विज्ञप्ति मुताबक राज्य में ग्रीष्म प्रवाह को नजर रखी प्रतिदिन सकाळ 8टा रु दिन 12टा एवं अपराह 3टा रु संध्या 6टा जाय टीकाकरण कार्य जारी करा जेबाकु निर्देश होईछि। या सहित संध्या 6:30 सुधा सब जिलार टीकाकरण रिपोर्ट दाखल करने नहीं स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र सूचना देते। से जो मैंने टीकाकरण केन्द्र में टीका नेबापी आसवे जो मैंने अपेक्षा करते हैं अपेक्षा गृह वैक्सीनेशन कक्ष सांग को पीवा पानी व्यवस्था करने को कहुई। या सहित मास्क व्यवहार करने हाथ धोवा व्यवस्था सहित सामाजिक दूरता को मध्य गुरुत्व देवाक चिठी में उल्लेख कर। तबे गत किछ दिन उपर जदि आमे नजर पकेबा राज्य में आक्रांत संख्या क्रमगत भाव में वृद्धि पाता बेले यह एवं राज्य सरकार का मुंडव्यथार कारण पलटि जहाँक नहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दृष्टि रखी एभली किसी बड़ निष्पत्ति राज्य सरकार। तेरे राज्य में गत 24 घंटा मध्य 588 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। से भाई बलांगीर सुवर्णपुर जिलूार 11 लेखाएं कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले यह संख्या बरगढ़ 21 जाजपुर 12 बालेश्वर 13 सुंदरगढ़ 84 कलाहांडी 64 झारसुगुड़ा 31 कटक 30 नुआपड़ा 29 संबलपुर 28 गंजाम 27 पूरी 24 टेस्टपुल 23 आक्रांत चिन्हट होता बेले खोर्धा जिलूार सर्वाधिक 105 पॉजिट चिन्हट होता जमापड़ी। से भाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 343,856 होता बेले वर्तमान सुस्थ होती 338,150। सेपरी मोट आक्रांत संख्या 3,731 पहुंची। तेणुक अधिक रु अधिक टीकाकरण संख्या बढ़ेगा स्वास्थ्य विभाग एभली बड़ निष्पत्ति नहीं। तेज आज कोविड टीकाकरण व्यवस्था को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग पक्षर एभली कड़ा गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। बर्तमान खबर अनुजाई नुआ
एप्रिल 30 जाए लागू है नाइट कर्फ्यू। राति 10:00 सकाल 5:00 जाए नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। भुवनेश्वर स्थित मास्टर कैंटीन रेलवे स्टेशन निकटे किपर रही कटकणा से नहीं अधिक सूचना देवाक आम सह सीधा सड़क जोड़ी होती मो सहयोगी सरोज। तेज सरोज कौन रही स्टेशन चित्र यात्री मानक सुरक्षा पाई कौन व्यवस्था करा जाय छी निश्चित भाव आपण मैंने देखुं आम आसी पहुँच बर्तमान मास्टर कैंटीन तो रेलवे स्टेशन रे एटे भिड़ लगि रही कहपर गत वर्ष यही समय रे कोरोनारो करा रूप आरंभ होता एत बेलू प्राय ओडिशारे अधिकांश अंचल पहुँची सारी तापर मध्य किछि दिन पर कोरोना कमी कमी जाइला कि समय रे आज जो एप्रिल मस 6 तारीख पहुँची 6 तारीख में गत वर्ष जेपर ए बर्ष सामान पिस्थित देखा मिली कोरोनार सेकेंड लहरी जहाँ कह आसिक पहुँची देश में पुनर्बार देखाई राज्य में पुनर्बार देखाई जहाँ को नहीं चलचंचल समस्ते तत्पर प्रशासन पक्ष तत्परता देखाई विभिन्न अंचल को लकडाउन सटडाउन घोषणा कर यार मध्य जो मैंने दादन खटापी बाहर को जाते कि कौन काम बाहर आसिकार कम करें निज निज घर को फेरी जावाप प्रस्तुति कर सारी प्रस्तुति जोरदार चलती सेपर रेलवे स्टेशन जोटी एक व्यस्तबहुल अंचल कहींपर व्यस्तबहुल अंचल मत व्यापक व्यवस्था करपर भाव में बिना मास्क भितर को छड़ा जाऊनी सानिटाइजिंग करमती एपरिक जो बैग नहीं कि आस लगेज आत्री मैंने से लगेज को मध्य भल भाव सानिटाइज करके भितर को प्रवेश करना टिकेट भितर को छड़ा जाऊनी आम सहित किसी अच्छा जात्री सहित सीधा साल कथ भाई आप कौट की जाऊँ चेन्नई लॉकडाउन रिटर्न कर रहे हैं जो कोरोना है वो फिर आ रहा है तो किसे क्या है टेंशन तो है सावधान होना पड़ेगा मास्क सैनिटाइजर ये सब लेके आते हैं। अब कहाँ से है? हम लोग बेंगल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर से उड़ीसा में क्या कर रहे हैं? वो चेन्नई जा रहा है वो मेडिसिन दवाई डॉक्टर दिखाने के लिए। जो कोरोना रिटर्न कर रहा है कि कोरोना का जो संक्रमित संख्या वो बढ़ रहा है तो भयभीत के है? हाँ भाई तो है रहेगा ही भाई तो है। व्यवस्था क्या है कि रेलवे स्टेशन की तरफ से वो कैसे है? हम लोग तो अभी आना है तो जाने ही नहीं है। आपने शुणुते स्टेशन पक्षर व्यापक व्यवस्था करात्री मैंने निरापदार किपर निज अंचल पहुँच पारे निज गंतव्यस्थल पहुँच पारे जन भाई अच्छा आम सहित सीधा कथा सर आप कौटू आसते मुझे एवं आसली बालुगाँव आसली जी मैंने कटक गाँव भितर जी कड़ाकड़ी व्यवस्था कमी ट्रेन भितर कोरोना फेर हाँ ट्रेन आग अपेक्षा टी इम्प्रूव होने लोक आग अपेक्षा इम्प्रूव टी जमी आगे सबू अर्डनारी लोक पशि आते सेटा टे रेजिस्ट्रेसन कराई किटा इम्प्रुवमेंट आग भाया हो सर्टकट जाणीपाई तो ट्रेन तो आसे पड़ो सेटा टिके आग में इम्प्रुवमेंट से पूरा इम्प्रुवमेंट है तथा ओवरऑल इम्प्रुवमेंट ठीक लगुच आग अपेक्षा हाँ ट्रेन रे आग अपेक्षा इम्प्रूव टिके सब सीट फिट देखु टिके आग अपेक्षा सफासी भी अच्छी लगुन जो पूरा इम्प्रुवमेंट हो आग आग अपेक्षा बहुत इम्प्रुवमेंट होमती कि पूरा लगुन जो पूरा इम्प्रुवमेंट कोरोना को देखिए अवस्था से हिसाब से इम्प्रुवमेंट कर मेनली जार टिकेट तो छाड़ कौन आज्ञा एमती है कारण बॉम्बे अपेक्षा आपने शुणुते जे पूर्व अपेक्षा ट्रेन रितर व्यवस्था उन्नत मान रहा पूर्व अपेक्षा अधिक सानिटाइज व्यवस्था करानिटाइज कर कैमेरा पर्सन को देखा कर विजुआल देखा देखापी कह कि रही यार दृश्य आपखिपार सीधा सड़क दृश्य भिड़ तो रही भय रही अजणा भयर समस्ते भयभीत कि भय मध्य निजर गंतव्यस्थल को बाहर यात्री मैंने किंतु कोरोनार संक्रमित हो पारती यह विपद रही सर आप कौट की ब्रह्मपुर कोरोना फेरुच्छी लॉकडाउन देखो सी तो लॉकडाउन तो प्राय हेती रही है कि पिलाने पाठ पढ़े तो जीवा पड़ो आम डिस्टेंस मेंटेन कर मुहर मास्क देखी सानिटाइज हाथ में कर रखी चु आमती पिलाने भल पाठ पढ़े पिला छाड़क जाऊ रेलवे कर रेलवे कर भल व्यवस्था करेंट भुवनेश्वर किसी असुविधा किसी नहीं समस्त कि गाड़ी कर डिस्टेंस मेंटेन करूँ मुहर मास्क लगात आपण सानिटाइज व्यवहार करूँ सानिटाइज कर सबकि अरेज कर रखिंट आप
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମଉସା କି କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିପରି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିରାପଦରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଅଙ୍ଗୁଲ, ବିଜୟୱାଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁଲ। କିପରି ରହିଛି କଟକଣା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଅଛି ନା ଭୟ ନାହିଁ? ଭୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପେଟ ତ ଆଗେ ନା, ଏମିତି ତ ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବି ହଉ ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। କରୋନା ଫେରୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଫେରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉ କ'ଣ କରିବା? ଯିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ସରକାର ସେଇଭଳି ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ, ଆଜି ଆମେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ? କ'ଣ କହିବେ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଦେଖୁନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମିଳନ୍ତା ଆମେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଲକଡାଉନ୍ ଫେରୁଛି, କରୋନା ଫେରୁଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ନିଜ ପେଟ ପେଟଣା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଫେରିଥିଲି, ଏଇ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଘରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯିବାକୁ, ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କାମ ଥିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି। କରୋନା ଫେରୁଛି କହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନଗଲେ ନ ଚଳିପାରେ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଘରର ପରିଶ୍ରମଟା, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିନା ମାସ୍କ ବିନା ସାନିଟାଇଜରରେ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ। କରୋନା ଫେରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟାଗ୍ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅମିତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବ୍ରିନିରେ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛି ଯେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି? ଲୋକ ତ ବହୁତ କିଛି ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆୱାରନେସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ରହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ତା ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଭଳି ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛିଟା ମାତ୍ର ଆମେ କରୋନାକୁ ତ ଗଡ଼େଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏମିତି ବାହାରିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଅବହେଳା ନ କରିକି ନିଜ ଯଦି ପାରିବା ବା ନିଜକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଲଗେଜ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ସୁବିଧା ରହିଲେ ଆପଣ ପରିବାର ସୁବିଧା ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେଉଁଠି କିଏ ଆସିଥିବେ, କେଉଁ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପର ଡେ ଆପଣ 1.5-2 ହଜାର ପର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିବେ, କେଉଁଠୁ କରୋନା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା, ତ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଆମେ ରହିପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ। କରୋନା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ନା ଏବେ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତି।
द्वितीय लहरी फेरुच्छे लोक मुहर किसी गोटे भय देखा दूसरी भयभीत ना लोक लोके तो आज्ञा भयभीत बहुत किसी एमती कह तो बहुत किसी लोक भयभीत अच्छा कभी लोक भयभीत ना सब सरकार डिपेंड कर तेज आम कह लोक बहुत सुरक्षित भाव निजे आकड़ हो गले आपने शुणुते किपर भाव से सानिटाइज कर गवर्नमेंट जो रही गवर्नमेंट पक्षर अनुमोदन पाई सारापर एटे पकई स्टल कर स्टल बैग सानिटाइजर व्यवस्था कर लोक मैंने सीधा साल पाक आसिक सानिटाइज कर बैग को सुरक्षित भाव में जित्रा कर गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकता है करता है लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसलिए कि वो अपने जान का ख़तरा है ये जानना ज़रूरी है और जानकर काफ़ी कुछ कर लेना बाकी है और काफ़ी उम्र वालों वो तो कम से घर से बाहर निकलना कम कर दें और बच्चों को भी बाहर ना लाएं ये है हमारी अपील। सीनियर सिटीजन को टीका दे रहे हैं वही नहीं लिए हमें भी अभी तक वो उधर में नहीं आए है हम जो इलाके में रहते हैं वो टीम उधर नहीं आई है अभी हम जाएंगे 6 नंबर मेडिकल को कैपिटल हॉस्पिटल वहाँ जाके ले लेंगे। कितने जल्द से जल्द लेना चाहिए इसे? ज़रूर ज़रूर ये तो बढ़ते जा रहा है खतरा बनते जा रहा है देखिए क्या हो रहा है। निश्चित भाव सार जो कहते कोरोना रो द्वितीय लहर फेरुच्छे समस्ते सरकार जितकि सचेतन हेबे आमे मध्य समस्त जनसाधारण माने मध्य सेतिकि सचेतन हवा जरूर रही सहित तो, जो अंचल रे टीका दिया जाउची समस्ते टीका नेवा मध्य जरूरी जहाँ सी कहते से मध्य खूब शीघ्र टीका नेबे बोली कहिसेंती एवं टीका समस्त को अनुरोध करछेंती यथाशीघ्र संभव निज निज स्थान रे जो निकटवर्ती एरिया रे टीका दिया जाउची निजे निजे जाय टीका नै जानत। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट अमित कौ सरोज रंजन का रिपोर्ट फोकस प्लस। धन्यवाद सरोज ये थी हमारा भुवनेश्वर प्रतिनिधि जे की कोरोना विषय रे ताजा अपडेट दउथले। सही परी माइक्रो कंटेनमेंट जोन भाबे घोषणा हला फुलबाणी जिला जी उदयगिर महागुड़ा साही 10 नंबर वार्ड महागुड़ा साही रो किछि अंचल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भाबे घोषणा करा जैछि। जड़े कोरोना संक्रमित चिन्हट परे जिलापाल द्वारा घोषित होइछि। अनेपटे पूरी गस्त पई 5 राज्यवासी को पई लागिला कटकणा। समीक्षा बैठक परे जिलापाल समर्थ वर्मा सूचना देखते 5टी राज्य पर्यटकों पर पूरी ने कटका कड़ाकड़ी कर राज्यगुड़ी मध्य रही मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र केरल और पंजाब यह सब राज्य आसुवा लोकों पर कड़ा नजर रखी। एवं समय हो जाए कोरोना खबर को ये रखुची पुणी देखा आउ कि नुआ अपडेट रोची नमस्कार।